प्यारे मित्रों, दर्शकों, दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। परमात्मा की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो में चलिए चलते हैं, जानते हैं स्वप्न में कैंडल मोमबत्ती देखने का क्या अर्थ है। दोस्तों, हम स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में मोमबत्ती दिखना अच्छा, शुभ, उत्तम रहस्य का सपना कहा गया है। अगर आपने भी दोस्तों मित्रों देखा है सपने खरीदते हुए कैंडल या जलते हुए या और कहीं रखी हुई, तो दोस्तों यकीन मानिए जल्द ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों का दीप जलेगा, प्रकाश होगा और कहीं ना कहीं दुख आपके जीवन से जाएगा और आपके जीवन में जो दो राहें हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो दोस्तों एक आपको चुनाव करना होगा और आप उस मार्ग पर चलेंगे अच्छा होगा और अपने आप राहें आपको दिखाई देती जाएंगी जीवन की। दोस्तों, जो आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो निर्णय अपने आप होगा। दोस्तों, खुशियां और आपके जीवन में दुख जाने का संकेत है। दोस्तों, इसके साथ अगर आपने बुझी मोमबत्ती देखा या जलती हुई खत्म हो गई मोमबत्ती, अचानक बुझ गई, इस तरह से कोई भी दृश्य अगर आपने देखा है तो दोस्तों ये सपना अच्छा नहीं कहा जाता। किसी अचानक हानि का, अचानक दुख समाचार मिलने का, कुछ और इस तरह से होने का संकेत माना जाता है। तो मित्रों, इसके लिए शुभ फल प्राप्ति करना है या अशुभ का नाश करना है तो दोस्तों सुबह उठकर भगवान सूर्य नारायण जो प्रकाश के स्वामी हैं, जो समस्त विश्व के अंधकार को दूर करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप सूर्य देव को जल चढ़ा लीजिए, लाल फूल चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इससे आपके दुख का जल्दी निवारण होगा और सुख मिलेगा और आपका भाग्य भी उदय होगा। तो मित्रों, छोटा सा उपाय करने में कुछ नहीं जाता और हम आगे भी इसी प्रकार से आपके सपनों का अर्थ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।